नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10 का पैनोरमा बुक का अंतिम अध्याय जिसका नाम है मार्था। तो अब हम मार्था जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उनके कवि का इंट्रोडक्शन जानेंगे, उनका परिचय जानेंगे। तो आइए जानते हैं उनका कवि के बारे में। जो कवि का नाम है वो है वाल्टर डीलर मेयर। वाल्टर डीलर मेयर का जो जन्म हुआ था 1873 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 1956 ईस्वी में हो गई थी। अ मॉडर्न पोएट। वाल्टर डीलर मेयर क्या थे? एक आधुनिक तरीके के कवि थे, आधुनिक कवि थे। वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर पोएट ऑफ इज एज। वे अपने उम्र के जो सारे कवि हैं वे अपने उम्र के जो सारे कवि हैं उनसे वे काफ़ी अलग थे, उनका अंदाज अलग था। ही इज अनलाइक अदर मॉडर्न पोएट सच एज T.S. Eliot हु डिस्कस प्रॉब्लम रिलेटेड टू सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। उन सारे कवियों से वे काफ़ी अलग है जो समाज और औद्योगिकीकरण के मुद्दों पर अपना बात रखते हैं, अपनी कहानियाँ लिखते हैं। इन्हीं मुद्दों पर वे अधिकतर कविताएं और कहानियाँ लिखते हैं, जैसे कि T.S. Eliot। इनसे वे काफ़ी अलग हैं। वाल्टर डीलर मेयर अलग अंदाज में अपनी कहानियाँ और कविताएं लिखते हैं। यही सब जो बात है वो काफ़ी अलग करती है सारे कवियों से। वाल्टर डीलर मेयर इज ऑलटुगेदर डिफरेंट फ्रॉम देम। यही जो बात है जो सारी कवियों से इनको अलग बनाती है, उनको खास पहचान देती है। लाइक ए कंज्यूरर, एक जादूगर की तरह वे क्या करती है, जादूगर की तरह अपनी कहानियाँ लिखते हैं। ही क्रिएट्स एन एटमोसफियर ऑफ मिस्ट्री। वे क्या करते हैं, अपनी लेखन कला से रहस्यों की दुनिया बना देते हैं, रहस्य का वातावरण बना देते हैं अपनी लेखनी कला से। वेयर एक्सपीरियंस इज लाइक ए ड्रीम लाइक रियलिटी। जहाँ उन अनुभव जो है उनका एक सपने की तरह होता है, जो कि वास्तविकता की तरह होता है। आगे का जो लाइन है, एमोंग हिज पोएम द लिसनर द स्केयर क्रो एंड अरबिया आर वर्थ मेंशनिंग। इन सबों के बीच इनका जो प्रमुख कविताएं और कहानियां हैं ये निम्न हैं, जो है द लिसनर द स्केयर क्रो एंड अरबिया एंड वर्थ मेंशनिंग। इन्हीं जो द लिसनर द स्केयर क्रो एंड अरबिया यही उल्लेखनीय है। अधिकतर वाल्टर डीलर मेयर बच्चों के लिए भी अधिकतर कविताएं लिखते हैं, बच्चों के लिए एक खास कविताएं लिखते हैं, और इसीलिए इनको बच्चों का कवि कहा जाता है। अब चलते हैं कविता के टॉपिक पे, जो है पोएम, उन्हीं पोएम पर बात करेंगे, उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। तो इन पोएम में कवि एक ऐसी स्त्री के बारे में बात करते हैं जो कि उनको बचपन में कहानियां सुनाया करती थी, और उसी की जो मार्था है, उनका नाम है मार्था, उसी की सुंदरता का जिक्र करते हैं। वाल्टर डीलर मेयर जब छोटे थे तो वे पहाड़ियों पे जाके घाटियों में बैठ के एक मार्था नाम की स्त्री से वे कहानियाँ सुना करते थे, और वे बताते हैं कि मार्था एक इतनी सुंदर है कि उनको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वे जब कहानियाँ सुनाती थी तो ऐसा लगता है कि वे सपने की दुनिया में खो गए हों, सब कुछ सपने जैसा लग रहा है, जैसा कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, लेकिन फिर भी हम एक मूक दर्शक के रूप में बने हुए हैं। आगे अब टॉपिक पे बात करते हैं, तो कवि बताते हैं कविता में, वंस अपॉन ए टाइम ओवर एंड ओवर अगेन। कवि बताते हैं कि एक बार की बात है जब वे छोटे थे तो मार्था वुड टेल अस हर स्टोरी इन द हेजल ग्लेड। मार्था क्या करती थी, उनको कहानियाँ प्रतिदिन सुनाया करती थी,
कहाँ एक सुंदर हरी भूरी घाटी जो थी, वहीं पे बैठ के कहानियां सुनाया करती थी प्रतिदिन उनको और उनके दोस्तों को। हेजल ग्लेन मतलब सुंदर हरी भूरी घाटियां होती है। हर्स वेयर दोज क्लियर ग्रेज आई, कभी बताते हैं कि उसकी आंखें जो थी इतनी सुंदर थी, उसकी भूरी आंखें थी, दम साफ भूरी आंखें थी, जो कि ये बता देती थी कि कहानी का सार क्या है, कहानी का ट्रेलर क्या है। यू वॉच एंड सेम्स स्टोरी, उसकी आंखें आप देखो तो पता चल जाएगा कि कहानी का सार क्या है, कहानी का ट्रेलर क्या है। टोल्ड बाई देयर ब्यूटीफुलनेस, उसके कहा आँखों की जो सुंदरता है वही बता देती है कि कहानी क्या है। ट्रैंक्विल एज ए ड्रीम, जब वो कहानी सुनाया करती थी सब कुछ एक सपने की तरह होता है, सब कुछ शांत जैसा होता है, सपने जो है शांत होते हैं, सब कुछ शांत वातावरण तैयार हो जाता है जब कहानी सुनाया करती थी। सी डिड सिट विथ हर टू स्लिम हैंड्स क्लैप्स राउंड हर बेंडेड नीज, वे घाटियों में कैसे बैठा, वो बताते हैं कि उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, वो घाटी में कैसे बैठा करती थी। वो अपने दोनों सुंदर हाथों को घुटने, जो मुड़े हुए घुटने हैं उसको पकड़ के बैठी हुई है। क्लैप्स राउंड हर बेंडेड नीज, स्लिम हैंड मतलब सुंदर हाथ होता है, पतले पतले हाथ, उसी को अपने घुटनों को पकड़ के बैठी हुई है वो घाटी में। वाइल वी ऑन आवर एल्बो लोल्ड, जब वे और कभी कैसे बैठे हुए हैं वे भी बताते हैं कि वे घाटी में कैसे बैठे हैं, अपने घुट केहूने के सहारे ऐसे टिके हुए बैठे हुए हैं। लोल मतलब टिके रहना या बैठे रहना। एंड स्टेयर एट इट, और आराम से उसकी कहानियाँ सुना करते हैं, मार्था को एक तक घूरते रहते हैं, स्टेयर देखते रहना, उसको घूरते रहना यही होता है। हर वॉइस एंड हर नैरो चिन, हर ग्रेस स्मॉल लवली हेड सिम हाल्फ द मीनिंग, कभी बता रहे हैं कि उसका जो बॉडी लैंग्वेज है यही बता दे रहा है कि कहानी का जो ट्रेलर क्या है, आधा वर्ड ही बता देता है, उसका आवाज़ और मुखरा चेहरा। उसकी आवाज़ इतनी सुरीली है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, और उसका मुखरा और जो हेड है, जो मस्तिष्क है, उसका जो चिन्ह है वही बता देता है आधा मीनिंग, आधा अर्थ ही बता देता है। जो मस्तिष्क का जो ऊपर का डिजाइन होता है वही बता देता है कि कहानी का जो ट्रेलर क्या है, आधा शब्द बयां कर देता है। आगे का जो लाइन है, आगे कवि कहना चाहते हैं वंस वंस अपॉन ए टाइम, फिर कहना चाहते हैं कि एक बार की बात है। लाइक अ ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट, सब कुछ सपने की तरह, जो आप सपने में देखते हैं ठीक वैसे ही तरह, सेम वैसे ही फीलिंग होती है कहानी सुनते वक्त। जो मार्था की कहानियाँ हैं जब आप सुनोगे तो ठीक एक सपने की दुनिया में आप खो जाओगे। फेयरीज एंड नॉम्स स्टॉल आउट, ऐसा लगता है कि सपने में जो परिया आती है, ऐसा लगता है कि परिया आती है जो सपने में आती है। और नॉम्स, नॉम्स क्या होता है, नॉम्स आप देखते होंगे कि एक धारावाहिक चैनल देखते होंगे, धारावाहिक जो जिसका नाम है बालवीर, उसमें आप देखे होंगे कि छोटे छोटे जो डूबा डूबा और तौबा तौबा है उसी को हम नॉम्स बोलते हैं, बौने बोलते हैं। वही बता रहे हैं कभी कि सपनों की तरह परिया और बौने आते हैं और उसकी सुंदरता से ईर्ष्या करते हुए उसकी सुंदरता को चुरा ले जाते हैं। कहाँ आते हैं वो, हरे इन द लीफ ग्रीन लाइट, वो हरे प्रकाश में अचानक प्रकट होते हैं और उसकी सुंदरता को चुरा ले जाते हैं। एंड हर ब्यूटी फार अवे, और उसकी सुंदरता चली जाती है, उड़ फेर और बिखर जाती है उसकी सुंदरता। एज हर वॉइस रनर, लेकिन सुंदरता तो छीन ली लेकिन उसकी आवाज़ नहीं छीन पाई परिया, उसकी आवाज़ अभी भी मौजूद है, अभी भी अस्तित्व में है, एग्जिस्टेंस में है। टिल हेजल एंड समरसोन, और जब कहानी समाप्त हुआ था सब कुछ धीरे धीरे पुराने माहौल में लौटने लगा लोग, और कहानी सुनते वक्त जो गर्मी की चिलचिलाती धूप होती है
उसकी कहानियाँ सुनते वक्त मालूम ही नहीं चलता कि वो धूप क्या है, सब कुछ भूल जाता है लोग, उसी में खो जाता है लोग। एंड ऑल वेयर गोन, सब कुछ समाप्त हो जाता है अब कहानी सुनते वक्त। जब कहानी ख़त्म होता है तो क्या होता है, ऑल फॉरगॉटन एंड फॉरगेट, सब कुछ, सब कोई जो सुनता है कहानियाँ सब कुछ भूल जाता है जब सपनों की दुनिया से निकलते हैं। एंड लाइक क्लाउड्स इन द हाइट ऑफ द स्काई, आवर हार्ट स्टूड स्टिल द इन द हाउस, और उसका दिल पूरा अचानक शांत हो जाता है। उनका दिल कैसे, जैसे कि आसमान में बादल शांत हो जाते हैं। ऑफ एन एज गॉन बाई, और ऐसा लगता है कि एक युग का अंत हो गया, उसकी कहानियाँ सुनते वक्त उनका एक युग का अंत हो गया, उनकी एक सदी का अंत हो गया। जब कहानी से आप निकलोगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक युग का अंत हो गया, कई साल बीत गए। तो अब तक का यह चैप्टर समाप्त हुआ। मार्था, जिसके राइटर है या पोइट है वाल्टर डीला मेयर। तब तक मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ। धन्यवाद।